गरीब लोगों का इलाज होगा, जो लोग ज्यादा पैसे अफोर्ड कर अस्पतालों में नहीं जा पाते उनका यहाँ पर इलाज किया जाएगा। साथ ही अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टर्स से इनका इलाज करवाया जाएगा। आइए देखते हैं कशिश के साथ दौलत शर्मा की रिपोर्ट। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में रोटरी अनंता के द्वारा डिस्पेंसरी का उद्घाटन करने पहुंची साउथ जोन की डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर नंदिनी शर्मा। उनके साथ आपको बता दें रोटरी अनंत की पूरी टीम थी। ये डिस्पेंसरी उन लोगों के लिए खोली गई जो कि कम पैसे में लोग इलाज करा सकें। इलाके के लोगों को इस डिस्पेंसरी खुलने से बेहद राहत होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये रोटरी क्लब के द्वारा, रोटरी अनंता के द्वारा इस डिस्पेंसरी को खोला गया है जो कि तुगलकाबाद एक्सटेंशन में। डॉक्टर नंदिनी शर्मा साउथ जोन की चेयरपर्सन यहां पर पहुंची। साथ ही साथ आपको बता दें कि संस्था से जुड़े हुए लोग भी रहे। उनका मकसद है कि दिल्ली एनसीआर में इस तरीके की डिस्पेंसरी खोली जाए जिससे कि आम जो गरीब लोग हैं वो अपना इलाज कम पैसे में करा सकें। यहां पर कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं महज 30 रुपये में लोगों का इलाज करेंगे। जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज जितनी भी आए उतनी कम पड़ती है, और इसमें जब रोटरी अनंता ने आज ये खोला है, इस समय प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि जो इलाज है हर 500 व्यक्ति के पर एक डॉक्टर होना चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं हो पाता उस समय पे। आज जो रोटरी का हमने खोला है, उससे प्रत्येक व्यक्ति, कम से कम इस गली में, इस तकली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अगर इलाज मिलता है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा। और रोटरी को मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी थिक पॉपुलेटेड एरिया के अंदर ये डिस्पेंसरी खोली। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उन डॉक्टर साहब का कि जिन्होंने यहाँ के अपनी सर्विस देने के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया, और जिससे हम अपना स्वस्थ भारत की तरफ हम सारे कदम आगे बढ़े, इस तरफ हम जाएँ। मैम, आप लोग गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट करवाएंगे रोटरी को, जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं जगह दिलाने में, कुछ इस तरीके का कुछ करेंगे आप लोग? रोटरी अपने आप में इतनी एफिशिएंट है कि उसको सरकारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी कोई भी ज़रूरत होगी मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। ठीक है, धन्यवाद दूंगा। और इतनी सहज और सरल है ये। मैंने एक बार फ़ोन किया आपको, मैंने कहा आपको आना है, तो पिछली बार जब हमने दक्षिणपुरी में डिस्पेंसरी खोली थी रोटरी अनंता की तरफ से ही, तो पिछली बार आपको कहीं बाहर जाना पड़ा, तो हमने डीएम साउथ दिल्ली डॉक्टर डीएम शर्मा जी को बुलाया था। तो इस बार मैंने कहा आप पिछली बार नहीं आ पाए, तो उन्होंने नहीं, मैं पक्का आऊँगी इस बार, और आप बड़ा व्यस्त समय निकाल कर आई हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सबसे पहली बार। दूसरा, मेरे मित्र यार सब यहाँ आए हैं, हमारे रोटरियंस आए हुए हैं, यहाँ हमारा दूसरा क्लब है डॉक्टर रोटरी एस्पायर, उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर अभिनव आए हुए हैं, हमारे डॉक्टर झाजी आए हुए हैं जो दक्षिणपुरी की डिस्पेंसरी संभालते हैं, और हमारे डॉक्टर यहाँ पर मुशर्रफ भी है, बाकी सारी स्टाफ की टीम भी है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात क्या है, अभी पीछे प्रोग्राम हुआ था परसों न्यूज़ इंडिया में, तो आधा घंटा हम लोगों का कार्यक्रम था जिसमें अनंता को स्टार प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला और स्टार क्लब का अवार्ड मिला। उसमें हमारे आलोक गुप्ता जी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, और रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डायरेक्टर भारत पांड्या जी भी थे, तो उन लोगों ने बड़ा हमारा जो काम है उसको सराहा, और हमने संकल्प लिया है कि हम हर महीने एक डिस्पेंसरी खोलेंगे दिल्ली एनसीआर में, और एक हम 8 करोड़ रुपए लगा के एक हेल्थ मेडिकल सेंटर बना रहे हैं जो जनवरी में जिसका इनॉग्रेशन होगा आरआई प्रेसिडेंट द्वारा, उनसे हमारी बात हो गई है, डेट फाइनल होनी है, और वो उस प्रोग्राम में हमारी दृष्टि ये है कि हम सारी जितनी भी हम डिस्पेंसरी 12 खोल रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, उसको कनेक्ट करेंगे हेल्थ सेंटर से, उस सेंटर के द्वारा गरीबों को मात्र 1100 रुपये में जैसे आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा मोतियाबिंद का, और यहाँ भी हम जो करते हैं वो 50 रुपये में हम 4-5 दिन की मेडिसिन फ्री देते हैं, एयर कंडीशन एनवायरमेंट में सबको रखते हैं, साफ सुथरे एनवायरमेंट में रखते हैं, और उद्देश्य ये है कि 50% की चैरिटी हम करेंगे, 50% पेशेंट से लेंगे, और वो जो चैरिटी होती है वो हमारे रोटेरियन फ्रेंड्स हैं मेरे साथ में, मेरे
हमारे क्लब के सेक्रेटरी हैं अशोक जी, पास्ट प्रेसिडेंट हमारे राकेश जैन जी, पास्ट प्रेसिडेंट अमित बम जी और बाकी सारे सीनियर हमारे रोटरियंस आए हुए हैं। तो मैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद कहूँगा कि व्यस्त समय निकाल के सब लोग आए और हमेशा सहयोग देते रहे हैं हर काम के लिए। जो भी हम लोगों ने मांगा है, गर्ग साहब आए हुए हैं, ओपी गर्ग साहब पंजाबी बाग से, इन लोगों ने अपना समय निकाला और हम हर महीने का संकल्प है हमारा ये लेने का करने का। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो गरीब आदमी है उसकी रीच बहुत दूर तक नहीं हो पाती है, उसको वो दिहाड़ी खराब करके अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकता, उसके लिए तो रोज़ कुआ खोदना और रोज़ पानी पीने वाली बात होती है। तो इस मुहिम में, इस कड़ी में हमारी कोशिश है उसके घर पर ट्रीटमेंट दे सकें और मुफ्त, ऑलमोस्ट मुफ्त 40-50 रुपये रखने का भी उद्देश्य ये है कि उसको उसकी वैल्यू समझ में आए। ऐसा नहीं हो कि वो दवाई ले और नाली में फेंक दे, समझे कि अरे पता नहीं फ्री में है तो क्या है, तो थोड़ा सा पेन उसको भी लेना चाहिए। 40-50 रुपये में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, ये उद्देश्य के साथ हमने रखा है। और हमारा जो मेडिकल सेंटर बनने जा रहा है उसमें हम डायलिसिस का पूरा सेंटर बना रहे हैं, आँखों का अस्पताल बना रहे हैं, मल्टीपल ओपीडी होगी उसमें, डायग्नोस्टिक सेंटर होगा, सीटी स्कैन, एक्सरे और पूरा 4-स्टोरी भवन बन रहा है, वो जनवरी में चालू हो जाएगा। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ, प्रेस वालों का, जो आप सब लोग आए, हम लोगों को हौसला आपने बुलंदी किया और मैं सभी जितने भी इस एरिया के लोग हैं उन सबको भी बधाई देता हूँ कि वो सब लोग इस मुहिम में हमारे साथ देंगे और इस डिस्पेंसरी को कामयाब करेंगे। दिल्ली एनसीआर में अभी चल रहा है डिस्पेंसरी आपकी? अभी हमारा ये दूसरा प्रकल्प है, तीसरा हमारा पंजाबी बाग में चालू होने, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में चालू होने वाला है, वो 22-23 तारीख का उसका उद्घाटन है और फिर उसके बाद एक हमने ईस्ट कड़कोगा डुमा में जगह ली है, वो अगले महीने अक्टूबर में चालू होगा। इस तरह से हमने 6 स्पॉट आइडेंटिफाइड ऑलरेडी कर चुके हैं, हर महीने एक को उद्घाटन करने जा रहे हैं। आपका लक्ष्य कितना है, कितनी डिस्पेंसरी आप लोग खोलेंगे? सॉरी, कितनी डिस्पेंसरी खोलेंगे, आपका लक्ष्य क्या है? 12 डिस्पेंसरी खोलेंगे इस साल में और एक मेडिकल सेंटर जो मैंने जैसे बताया वो खोलेंगे। और हमारा सारा सोच ये है कि हम एक डिस्पेंसरी से लगभग 500-600 पेशेंट हर महीने ट्रीट कर लेते हैं। जो पिछली बार डिस्पेंसरी खुली थी दक्षिणपुरी में उसमें लगभग 450 पेशेंट हम अभी तक ट्रीट कर चुके हैं और उनको हम एक बड़े मेडिकल सेंटर से कनेक्ट कर देते हैं। जो डॉक्टर वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं दे सकता या जो डॉक्टर जिसको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है पेशेंट के लिए, तो हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने राम सुमनी देवी मेडिकल सेंटर संगम बिहार में है उससे कनेक्ट किया है, तो वो स्पेशलाइजेशन के लिए वहाँ चला जाता है, तो उसको पूरी सुविधा मिल जाती है एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट में। और उसके लिए इसको अपना एक बहुत बड़ा परिवार के लिए स्वास्थ्य का कार्ड बन जाता है, उस स्वास्थ्य के कार्ड से उसकी जीवन में एक हम कहीं भी थोड़ी सी हेल्प की आशा लेकर आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सुकून की बात है। यहाँ पर जो यहाँ पर खोला गया डिस्पेंसरी, यहाँ पर कितने डॉक्टर्स होंगे, कितने नर्सेज होंगे, क्या सुविधाएं होंगी और अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है तो क्या आप उसे रेफर करेंगे, कहाँ पर रेफर? हाँ, वो मैंने बताया ना, जैसे क्रिटिकल पेशेंट कोई आता है तो संगम बिहार में हमारा मेडिकल सेंटर है तो वहाँ रेफर कर देते हैं। और इसी तरह से जितनी भी डिस्पेंसरी खोलेंगे उनको कनेक्ट करेंगे चैरिटेबल मेडिकल सेंटर के साथ, वो उससे हमारा अनुबंध है और हम उसके हिसाब से वो पेशेंट को वहाँ भेज देते हैं, उसका ट्रीटमेंट वहाँ हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये फीडिंग डिस्पेंसरी है, यहाँ से लेके मेन मेडिकल सेंटर तक हम उसको कनेक्ट कर दें, ये गरीब पेशेंट को इससे बड़ी मदद और कुछ नहीं हो सकती। अपना परिचय बता दीजिए। मैं मनोज अग्रवाल, प्रेसिडेंट रोटरी अनंता दिल्ली क्लब का हूँ और ये हमारी रोटरी अनंता की तरफ से मुहिम है कि हम इस साल में 12 डिस्पेंसरी खोलेंगे और मेडिकल सेंटर चलाएंगे। इससे बड़ी सुकून की बात हम सबके लिए कोई और नहीं हो सकती।